मंजूर नहीं है। कोई देवबंदी बरेलवी के नाम पर इस मुल्क के लोगों को लड़ाएगा, हम उससे टक्कर लेंगे और किसी कीमत पर हम लड़ाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो हमारे हैं, वो हमारे अपने हैं, हमारे हैं। अगर उनको कोई गलत फहमी है, हम उसका भी सफाई देने को तैयार हैं। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, अगर उनके लिए खुले हैं। अगर वो हमें मंजूर नहीं करते तो भी, अगर वो हमें मंजूर नहीं करते, हमसे गुस्से नाराजगी का इजहार करते हैं, हमको ही दहशतगर्द बताने की कोशिश करते हैं, हालांकि अल्लाह की मेहरबानी है जमीयत उलमा ने, दारुल उलूम देवबंद ने दहशतगर्दी की मुखालिफत में कायदाना किरदार अदा किया है पिछले 15 सालों से। जब लोग सोच नहीं सकते थे तब जमीयत उलमा वो बात कर रही थी। मैं कहता हूं गलतफहमी दूर कर लीजिए, हम आपको दावत देते हैं, आप उलमा तैयार है ना इस बात के लिए, हम आपको दावत देते हैं और हम उनसे कहते हैं अगर उन्हें कयामत चाहिए तो हम उनकी कयामत में भी जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह उनको जोड़ने की बात करती है जमीयत उलमा, इंसानों और इंसानियत को जोड़ने की बात करती है जमीयत उलमा, मजलूमों के हक की बात करती है जमीयत उलमा। अगर कोई इस्लाम के नाम पर भी जुल्म करने की कोशिश करेगा जमीयत उलमा उससे लड़ेगी, टकराएगी, इसका ऐलान करती है। जमीयत उलमा का यह अज़्म है जब हम इंसानियत को जोड़ने की बात करते हैं तो मुसलमानों को मसलक के नाम पर बांटने